For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. दोस्तों, रणवीर सिंह और विराट कोहली दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं. दोनों की लव लाइफ फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती है हमेशा से ही, चाहे वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हो. लेकिन यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी न्यूज़, डेफिनेटली बहुत सोशल मीडिया पे आजकल वो वायरल हो रही है, और वो चीज़ है रणवीर सिंह और विराट कोहली का एक दूसरे को हग करना, वो भी क्रिकेट मैच के दौरान. यस, यानी कि हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड कप सीरीज़ में सबसे बड़े मैच को जीत लिया, यानी कि इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था. फैंस सुपर डुपर एक्साइटेड थे इस मैच के लिए, और जिस तरीके से इंडिया ने जीत हासिल की है, वाकई काबिले तारीफ जीत थी. लेकिन उसके अलावा वहां पर रणवीर सिंह भी मौजूद थे उस मैच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब ये मैच हुआ, वहां पर रणवीर सिंह भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने मैच ख़त्म होते ही जीत की बधाई देते हुए विराट कोहली, कैप्टन विराट कोहली को उन्होंने एक जोर की झप्पी पाई. और जिस जोश में रणवीर सिंह नज़र आ रहे थे, पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ रणवीर ही रणवीर छाए हुए थे. जिस तरीके से उन्होंने हर एक एक क्रिकेटर के साथ फ़ोटोज़ ली, क्रिकेटर्स के साथ फ़ोटोज़ अपलोड की हैं, काफ़ी फ़ैन क्लब्स थे वहाँ पर रणवीर सिंह के, जिन्होंने जो है ये वीडियो अपलोड किया है. वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जहाँ पर रणवीर विराट एक दूसरे को हक करते हुए नज़र आ रहे हैं. वेल, इस चीज़ में खास बात क्या है? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यू नो, पहले ऐसे र्यूमर्स थे, हालांकि ना अनुष्का ने ना रणवीर ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कभी डेट किया है एक दूसरे को, लेकिन ऐसे र्यूमर्स थे. और एक तरीके से एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट कहा जा सकता है इस चीज़ को, जब रणवीर और विराट एक दूसरे से मिले, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे एक वक्त था जब रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा के साथ डेब्यू भी किया था, और साथ ही साथ ऐसी खबरें आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन ये जो एक मोमेंट आया फील्ड पर जब दोनों ने एक दूसरे को हग किया, एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट था, बड़ा ही इमोशनल और हैप्पी मोमेंट था. फैंस के लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था, और इंडिया जीती भी थी, वो भी एक खुशी थी. और रणवीर सिंह की अगर वर्क फ्रंट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो रणवीर वहाँ पर पहुँचे थे अपनी फिल्म 83, जिसमें वो कपिल देव की बायोपिक है, जिसमें वो कपिल देव का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं. कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को. दीपिका पादुकोण कपिल देव की जो रियल वाइफ है, यानी कि रणवीर सिंह की वाइफ का कैरेक्टर उसमें प्ले करने वाली हैं, और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला है. ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है इस न्यूज़ को. आप लोगों का क्या कहना है इस आइस ब्रेकिंग मोमेंट को लेकर, इस झप्पी को लेकर आपका क्या कहना है? वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज़ अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.